नमस्कार, मैं हूं अतीक और हम आपके लिए लेकर के आए हैं ढेर सारा मान और मनुहार। इस हफ्ते के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं समसामयिक मुद्दों और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुई खबरों को। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे सांस्कृतिक और कुछ प्रेरक कहानियां भी। तो आइए जल्दी से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों हरियाली तीज का त्यौहार बड़ी खुशियों और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयपुर नगर निगम द्वारा शहर में हरियाली तीज का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने मेहंदी लगाकर और घूमर डांस कर, और इसके अलावा शहर में जो जिस तरीके से जो तीज का झूला होता है और पूरे शहर भर में तीज की सवारी भी निकाली गई। इतना ही नहीं, इस तीज के विशेष आयोजन में 125 किलो घी और 125 किलो दूध और इस तरह अन्य सामग्रियों को मिलाकर एक विशाल घेवर तैयार किया गया, जिसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि इस आयोजन में क्या कुछ विशेष गतिविधियां हुई। बीते दिनों नगर निगम ग्रेटर द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। गुलाबी नगरी की गुलाबी लहरिया थीम पर आयोजित इस महोत्सव में सावन की तीज परंपरागत रूप से मनाई गई। तीज का झूला, घेवर, तीज की सवारी और पूजन घूमर के साथ साथ तीज के महत्व को भी महिलाओं को बताया गया। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि हर वर्ष तीज महोत्सव मनाया जाता रहा है। राजस्थान की महिलाओं के लिए तीज का विशेष महत्व है। हमारे राजस्थान की परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे त्योहार है और हम सबको मिलकर इसको मनाना चाहिए। जिस उत्साह और उल्लास के साथ में हम मना रहे हैं, और घूमर है जहां, मेहंदी है, और जहां विश्व का सबसे बड़ा घेवर का मिठास हो, तो निश्चित रूप से सबके चेहरों पर मुस्कान और उल्लास है, वो तो बनता ही है। शहर की सैकड़ों महिलाओं और विभिन्न महिला संगठनों के साथ प्रश्नोत्तरी, घूमर, मेहंदी, थाली मेकिंग, बड़ी ठड़ी, घेवर बनाने जैसी कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके साथ ही सबसे बड़ा घेवर बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कर कीर्तिमान स्थापित किया गया। यहाँ इस बार हरियाली तीज विशेष रूप से थोड़े अनोखे अंदाज में मना रहे हैं। हरियाली तीज यानी हरा, और साथ में हमने हमारे प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत और मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत सभी महिलाओं को पेड़ दिए जाएंगे, जिसे 7 अगस्त को तीज के दिन ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो, हमारा राजस्थान हरा भरा हो, हरियालो राजस्थान हो, और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तीज के अवसर पर 7.25 फीट के घेवर को 20 कारीगरों द्वारा बनाया गया, जिसमें 1000 किलो घी, 105 किलो मैदा, 125 किलो पनीर, 125 किलो दूध से घेवर तैयार किया गया। ये घेवर 800 किलो की कढ़ाई पर बनाई गई, जिसकी चौड़ाई 7.50 फीट एवं लंबाई 10 इंच है। तीज उत्सव में लोगों को दिखाया और खिलाया गया। वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी इस दौरान वहां उपस्थित रही, साथ ही सैकड़ों महिलाएं भी इस अनूठे रिकॉर्ड की साक्षी बनी। राजस्थान में हरियाली तीज की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसका इतिहास काफी पुराना है। सावन जब पूरा जयपुर नगर और पूरा इलाका हरियाली की चादर ओढ़ लेता, रिमझिम फुहारों के बीच लहरिया ओढ़े महिलाएं सावन के उत्सव को मनाती और आज भी मनाती है। जयपुर में तीज के त्यौहार का बड़ा महत्व रहा है। तीज माता भगवान शिव और माता पार्वती के असीम प्यार का प्रतीक जो ये त्यौहार है, इस त्यौहार पर कई तरह की रोचक बातें हैं। पहली रोचक बात तो यह है कि जिन लड़के लड़कियों का विवाह इस सावन के पहले हुआ है, उन लड़के लड़कियों को पहले सावन में अपने लड़की को ससुराल में नहीं रखते, और वो ससुराल में नहीं रहती है, और इसलिए
इसलिए ये माना जाता है कि भगवान शिव ने भी जब पहली बार माता पार्वती से विवाह किया था तो उन्होंने पहले सावन में माता पार्वती को उनके पीहर भेज दिया था और उन्होंने बिना माता के ही एक महीना पूरा सावन का गुजारा था। आजकल भी ऐसा होता है अधिकांश परिवारों में जिनमें ये विवाह हुआ है। जयपुर के त्रिपोलिया से निकलने वाले तीज माता की सवारी की अपनी अलग ही लोकप्रियता है। कहते हैं हौसला बुलंद हो तो जिंदगी के सफर पर कोई भी बाधा आड़े नहीं आती है। इन लाइनों को चरितार्थ कर दिखाया है कालबेलिया नृत्यांगना चिरमी सपेरा ने। गरीबी में पली बड़ी चिरमी ने अपने इस डांस की बदौलत न सिर्फ देश में नाम किया बल्कि दुनिया में भी कालबेलिया नृत्य का प्रदर्शन कर देश का भी नाम किया और इसके साथ साथ खुद का भी नाम रोशन किया है। तो आइए इन नृत्यांगना के बारे में आपको एक प्रेरक कहानी दिखाते हैं कि कैसे चिरमी ने अपनी जिंदगी की जद्दोजहद के साथ में ये सफर पूरा किया। कहते हैं कला कभी भी हालातों की मोहताज नहीं होती है। यह बात जयपुर की कालबेलिया नृत्यांगना चिरमी सपेरा को देखकर सही भी कही जा सकती है। गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपनी पारंपरिक कला को जिंदा रखा और राजस्थान की मशहूर नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को अपना गुरु मानते हुए 10 साल की उम्र में कालबेलिया डांस सीखना शुरू किया। उनकी मेहनत और लगन का परिणाम ये रहा कि चिरमी सपेरा अब राजस्थान के साथ साथ विदेश में भी अपनी कला के जरिए पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक वे 30 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुकी हैं, जहां उनकी कला को लोगों ने काफी सराहा है। और मैं सबको देख के सीखा, मेरी सिस्टर को भी देख के सीखा है और हमारे जो गुरु है गुलाबो जी उनको भी हम फॉलो करते हैं, उनसे भी सीखा है और बस उन सबको देख देख के सीखे। आज जो भी उनके कारण या बहन के कारण आज हम भी आज आगे बढ़ रहे हैं, हमें सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं 30 से 35 कंट्री अभी तक मैं घूम चुकी हूँ, बहुत सारी कंट्रियाँ जा चुकी हूँ। अपने देश में भी जो जितने भी RTDC के प्रोग्राम हैं, फेस्टिवल है, जो भी मेले हैं, ICCR से भी गई हूँ और इन सब में मैंने काम किया है। हॉलीवुड मूवी में मैंने काम किया है, डम्बो मूवी है हॉलीवुड मूवी और हिंदी मूवी भी है, इतिहास हम दोनों और पद्मावती, इन फिल्मों में भी मैंने मेरा किरदार किया है, थोड़ा थोड़ा काम किया उन फिल्मों में भी। चिरमी सपेरा ने अपने कालबेलिया नृत्य की बदौलत ही कई फिल्मों में भी काम किया है जिसमें हॉलीवुड मूवी डम्बो और बॉलीवुड मूवी हम दोनों, इतिहास और पद्मावत के नाम शामिल हैं। जीवन की चुनौतियों के बारे में बताते हुए चिरमी सपेरा कहती हैं कि पढ़ाई नहीं करने के कारण कई बार उन्हें विदेशों में उनकी भाषा को समझने में परेशानी होती है। यही सोचकर आज वे अपने बच्चों को कला के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी दिलवा रही हैं, ताकि उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चिरमी के पति रामजी नाथ सपेरा का कहना है कि आज उन्हें अपनी पत्नी पर बहुत गर्व होता है क्योंकि वे खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। उन्होंने बताया कि चिरमी को कई सामाजिक संस्थाओं और राज्य कार्यक्रमों में सम्मानित भी किया जा चुका है। बीस साल हो गए मेरे को इनके साथ जीवन व्यतीत करते हुए, मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये 10 साल की एज से ही परफॉर्म करती आ रही है और अपने देश का गौरव बढ़ाती आ रही है और 20 साल से मैं इनके साथ हूँ और देश के हर कोने में ये गई है और देश के हर कोने में
इनका गौरव बढ़ा है और देश विदेशों में भी इनकी पहचान मिली है, उसके लिए मैं देश विदेश का और अपने हिंदुस्तान का बहुत ही गौरवशाली महसूस करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चिरमी सपेरा को एक आगे बहुत पहचान मिले, ताकि जो ये सपने देखी है वो सपने इनके पूर्ण हो। और बस मेरे तो देश से यही एक विनती है ताकि इनको एक पहचान मिले। बीते दिनों 7 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाने का उद्देश्य जो हैंडलूम का कार्य है इसको विशेष पहचान दिलाना है और साथ ही साथ जो लोग इस हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं उनके कार्यों को पहचान दिलाना किया गया है इस तरीके से। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर क्या कुछ विशेष आयोजन किए गए। हैंडलूम संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। देश भर में हथकरघा उद्योग को मजबूत बनाने और हैंडलूम की पहचान को समृद्ध करने के उद्देश्य से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि साल 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन की शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत की थी। आज के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी का ये भाव सिर्फ विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये हमारी आर्थिक आजादी का भी बहुत बड़ा प्रेरक था। ये भारत के लोगों को अपने बुनकरों से जोड़ने का भी अभियान था। ये एक बड़ी वजह थी कि हमारी सरकार ने आज के दिन को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाने का फैसला लिया था। बीते वर्षों में भारत के बुनकरों के लिए, भारत के हैंडलूम सेक्टर के विस्तार के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है। हथकरघा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और श्रमिक वर्ग को रोजगार प्राप्त करवाना है। इस साल 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम का उद्देश्य हथकरघा बुनाई में प्रौद्योगिकी और नवाचार के एकीकरण, कौशल विकास को बढ़ावा देना और बुनकरों के लिए बाजारों को मजबूत करना, उनका विस्तार करना है। दूरदर्शन समाचार के लिए अमन शर्मा की रिपोर्ट। अर्जुन की पत्नियों में से एक थी चित्रांगदा, एक रानी, एक योद्धा, एक माँ और एक ऐसी राजकुमारी जिसने रूढ़ियों को चुनौती देते हुए ऐसा शासन किया कि जो रूढ़ियां थी उन पर कुठाराघात किया और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी। जी हाँ, जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में चित्रांगदा के ऊपर एक नाटक का मंचन किया गया जिसमें कई बड़े कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया जो कि दर्शकों को भी खूब भाया। तो आइए देखते हैं नाटक चित्रांगदा। जयपुर में स्थित महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में चित्रांगदा सशक्त नारी की अविश्वसनीय शक्ति को दर्शाती एक संगीतमय नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा सन 1892 में लिखित पुस्तिका चित्रांगदा से प्रेरित होकर यह नृत्य और नाटक का रूपांतरण था, जिसे पूरे भारत और जयपुर में पहली बार प्रस्तुत किया गया। नाटक में मुख्य भूमिका सुहासी धामी,
संदीप सोपारकर, मौमिता पाल निभा रहे हैं और इस नाटक का निर्देशन और कोरियोग्राफी मधुमिता चक्रवर्ती द्वारा किया गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 163वें जन्म दिवस पर ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। एक दूरदर्शी जिन्होंने एक सदी पहले ही महिलाओं की शक्ति को देखा था, जो शक्ति पिछले कुछ दशकों में धुंधली हो गई है। बहुत खूबसूरत है एक्चुअली, तो ये रविंद्र संगीत ही है और उन्होंने इसमें कथक और अलग फोक फॉर्म्स डाल के उसको और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। अदरवाइज रविंद्र संगीत है बहुत कल्चरली बहुत रिच है, बट उसका एक अलग फॉर्म है, इट्स अ स्लो म्यूजिक, उसका एक अलग ब्यूटी है और उसको एक फ्यूजन करके उन्होंने प्रेजेंट किया है जो बहुत खूबसूरत है, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। यह संगीत में नृत्य नाटिका चित्रांगदा को सम्मानित करती है, जो एक प्रेमी की सुंदरता और एक योद्धा की वीरता दोनों को एक साथ दर्शाती है। यह लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के एक साथ मंत्रमुग्ध करने वाले मिश्रण के साथ एक मनोरंजक नाटक में सुंदरता, पवित्रता और शक्ति का सार है। चित्रांगदा सशक्त नारी बहुत ही खूबसूरत नाटक है, नृत्य नाटिका है, जो मुंबई से हम लोग आए हैं यहाँ पर। मधुमिता जी ने और रमेश ने प्रवृत्ति की है, इसकी डायरेक्शन किया है। रविंद्रनाथ टैगोर का ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है और आप सब देखिए इसको। अर्जुन और चित्रांगदा उनकी एक बना दो वाइफ थी, उसके साथ में कैसा रिश्ता था उनका, उसके बारे में कहानी है। ये कहानी एक ऐसी औरत की है, एक ऐसी महिला की है जो अपने आप में विश्वास ज़रूर था, लेकिन कभी कभी होता है ना, ऐसे हम सोचते हैं कि आज के ज़माने में भी फिल्टर्स लगा देते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो वैसे ही हम लोगों को कितना इम्पोर्टेंट होता है कि हमें सुंदर दिखना चाहिए। अगर आप सुंदर ना हो तो शायद आपके आपको हस्बैंड ना मिले, पति ना मिले, आपकी शायद ज़िंदगी आगे ना जाए। और ये नाटक बताता है आपको कि आप सुंदरता जो है हृदय से आती है, आपके दिल से आती है, आपकी ऊपरी शारीरिक सुंदरता जो है वो मायने नहीं रखती, जो मायने रखता है वो है केवल आपका दिल। और यही कहना ये नाटिका मणिपुर राज्य की राजकुमारी चित्रांगदा की वो अनकही कहानी पर आधारित थी जो अर्जुन की पत्नियों में से एक थी। वह एक रानी, एक योद्धा, एक प्रेमिका, एक माँ और इसके अलावा एक साहसी राजकुमारी जिसने रूढ़ियों को चुनौती दी और अपने राज्य पर शालीनता से शासन किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। हे नारी, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर हो तुम, सभी साधनाओं का अंतिम परिणाम हो तुम। आधुनिक हिंदी कविता के दिग्गज और खड़ी बोली को खास तरजीह देने वाले मैथिली शरण गुप्त की 3 अगस्त को जयंती मनाई गई। वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने हर रोते हुए चेहरे पर खुशी देने की कोशिश की। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त पर आधारित ये खास रिपोर्ट।
मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। आपको बता दें कि आज के दिन को प्रतिवर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को माध्यम बनाया, साथ ही उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। उनकी कृति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई। इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति जैसे सभी विषयों पर रचनाएं की और इन्हीं राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा मिला और महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी से सम्मानित किया। साल 1953 में भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वहीं साल 1954 में साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो आइए अब आपको दिखाते हैं आपके करियर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को। राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पात्रता परीक्षा को लेकर के 9 अगस्त से आवेदन शुरू कर दिए हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं और जिसकी जो अंतिम तिथि है वो 7 सितंबर तक है। तो आइए देखते हैं करियर के इस सेगमेंट में क्या कुछ है खास। यदि आप राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी साथी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका सहित विभिन्न पदों के लिए जिले वाइज नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, जिसमें जैसलमेर, जयपुर, नागौर, कुचामन और डीडवाना सहित विभिन्न जिलों के विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भूजल विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, DOITC और सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने 9 अगस्त से सामान्य पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2024 है। इस परीक्षा का आयोजन 21, 22, 25 और 26 अक्टूबर को किया जाएगा। इस भर्ती के लिए प्लाटून कमांडर, जेलर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, जिलेदार, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, सुपरवाइजर, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के पद भरे जाएंगे। तो दोस्तों, अभी आपने इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सामाजिक और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनका आयोजन किया गया। उसके साथ साथ जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई कहानियां थी और जो प्रेरक कहानियां थी वो भी हमने आपको दिखाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम में कुछ विशेष आयोजनों के साथ। लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।